में लव जिहाद के खिलाफ अध्यादेश को राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने शनिवार को मंजूरी दे दी राज्यपाल की मंजूरी मिलने के बाद अब लव जिहाद अपराध की श्रेणी में आ गया है इसके तहत दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा दी जा सकती है इससे पहले यूपी सरकार ने 24 नवंबर को धर्म परिवर्तन के खिलाफ अध्यादेश पास किया था 20 नवंबर को राज्य की गृह मंत्रालय ने न्याय और विधि विभाग को इसका प्रस्ताव बनाकर भेजा था इसके मुताबिक ऐसे मामलों में गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज होगा यूपी के अलावा मध्य प्रदेश बिहार कर्नाटक हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में भी इस मसले पर कानून बनाने की तैयारी चल रही है यूपी के लॉ कमीशन के चीफ आदित्यनाथ मित्तल ने बताया कि भारतीय संविधान ने धर्म से जुड़ी आजादी दी है लेकिन कुछ एजेंसियां इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। वे धर्म बदलने के लिए लोगों को शादी नौकरी और अच्छी लाइफ का लालच देती हैं। हमने इस मसले पर दो में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था इसमें अब तक तीन बार बदलाव किए गए हैं आखिरी बदलाव में हमने सजा का प्रावधान जोड़ा है गुमराह करके झूठ बोलकर लालच देकर जबरदस्ती या शादी के जरिए धर्म बदलवाने का दोष साबित होने पर कम से कम एक साल और अधिकतम पांच साल की सजा होगी दोषी पर पंद्रह हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा महिला एस सी कैटेगरी में आती है तो उसका जबरन या झूठ बोलकर धर्म परिवर्तन कराना कानून का उल्लंघन माना जाएगा इसमें कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है ऐसे मामले में जुर्माना पच्चीस हजार रुपए होगा सामूहिक धर्म परिवर्तन के मामले में कम से कम तीन साल और अधिकतम दस साल तक की सजा हो सकती है जुर्माने की राशि पचास हजार तक होगी अगर कोई धर्म बदलना चाहता है तो उसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दो महीने पहले सूचना देनी होगी ऐसा न करने पर छह महीने से तीन साल तक की सजा हो सकती है जुर्माने की रकम दस हजार रहेगी ड्राफ्ट के मुताबिक धर्मांतरण के मामले में अगर माता पिता भाई बहन या अन्य सगा संबंधी शिकायत करता है तो कार्यवाही हो सकती है धर्म बदलने के लिए दोषी पाए जाने पर एक साल से लेकर दस साल तक की सजा हो सकती है लव जिहाज जैसे मामलों में मदद करने वालों को भी मुख्य आरोपी बनाया जाएगा दोषी पाए जाने पर उन्हें सजा होगी अध्यादेश के मुताबिक शादी कराने वाले पंडित या मौलवी को उस धर्म का पूरा ज्ञान होना जरूरी है ऐसे लेटेस्ट खबरें हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें धन्यवाद जेबीडी Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट Banquet हॉल ज्योति गार्डन World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.